अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है अबाउट ट्राइनिक्लोटाइड रिपीट म्यूटेशंस। हम म्यूटेशंस देख रहे थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने लार्ज सेगमेंट डिलीशन और सप्लाई सेट म्यूटेशंस देखा था। आज हम देखते हैं कि ट्राइनिक्लोटाइड रिपीट म्यूटेशंस क्या होते हैं। सेम वही बात कि ये वाला टॉपिक जो है ना आपकी फर्स्ट एड की बुक में नहीं दिया गया, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अपनी बुक से करेंगे, एडम क्रिएटिव सॉल्यूशन से। सो ट्राइनिक्लोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझ भी नहीं आता लेकिन बहुत आसान सा है, आपने इस पर फोकस करना है, सिंपल सा है, इंशाल्लाह ताला इजीली समझ आ जाएगा आपको। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ट्राइनिक्लोटाइड रिपीट, बेसिकली ये रिपीट होता है तीन न्यूक्लियोटाइड्स का। आपको पता है कि ये डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जो है ना, हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड एक कोडान की शक्ल में पड़े हुए होते हैं। किसकी शक्ल में? कोडान, मतलब कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे मिलते हैं और एक कोडान बनाते हैं हम, जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को वो करते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर सी ए जी, तो जी टी सी, और इसी तरह सी ए ए, या इसी तरह ए टी सी, मतलब इस तरह के पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये भी ट्राइनिक्लोटाइड है, यानी तीन तीन न्यूक्लियोटाइड है, और तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक क्या बनाते हैं? कोडान। और एक कोडान जो है ना किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करता है? इनकोड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये अमीनो एसिड मिलकर आपको क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी जो आपको पता है। अब यहां पर वो क्या कहता है? वो कहता है बेसिकली जो तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सीक्वेंस में रिपीट करते हैं। कैसे भला? वो कहता है ये आपका डीएनए का या आरएनए का कुछ भी स्ट्रैंड है, तो डीएनए है, जो डीएनए के ऊपर कोई भी मतलब के जो है ना एक रिपीट तीन न्यूक्लियोटाइड रिपीट करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सी ए जी है, एक सी ए जी, फिर दोबारा 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 सी ए जी। अब आप देख रहे हैं इसमें जो रिपीट्स हैं, सेम रिपीट, सी ए जी 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 सेम है। अब ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, यानी तीन तीन न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं खुद को। एक न्यूक्लियोटाइड, एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये के बाद देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये खुद को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड यूर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। और अगर ये आपके रिपीट जो है ना नॉर्मल नंबर में हो, किसमें हो? नॉर्मल नंबर में हो, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये क्या होता है? आपका नॉर्मल होता है, यानी इनकी एक हद होती है। ये ना समझे कि रिपीट हो गया है ट्राइनिक्लोटाइड, इट डज मीन दैट कि कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, ठीक नहीं, लाजमी नहीं है। अब इनकी नॉर्मल तादाद होती है, जैसे आपका सी ए जी, इसकी नॉर्मल तादाद होती है, अगर ये पांच बार आ जाए तो ये नॉर्मल है, अगर पांच से बढ़ जाए फिर ये क्या है? एबनॉर्मल है। तो वो यही डेफिनेशन में कहता है कि सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन अ टेंडम, मतलब जक के बाद दिग्रे ऑन द सेम कंटीजियस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इट इज नॉर्मल रिपीटेशन इन लिमिटेड नंबर्स। अगर इनकी नंबर्स जो है ना वो लिमिटेड हो, ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। सो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट समझ आ गए क्या होते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स? डॉक्टर नदीम, डिड यू गेट द पॉइंट? चलें जी आगे मूव करते हैं। अब ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन क्या होते हैं? वो कहते हैं इफ रिपीट्स ऑफ दीज थ्री न्यूक्लियोटाइड्स बिकम सिंप्लीफाइड नॉट एम्पलीफाइड, यहाँ पे थोड़ी अभी मिस्टेक्स हैं बुक में, इसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है मुझे। एम्पलीफाइड आर इंक्रीज ओवर नॉर्मल लिमिट्स, इट इज कॉल्ड ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। मैंने क्या कहा? मैंने पहले कहा कि ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो रिपीट्स होते हैं ये नॉर्मल भी होते हैं, एबनॉर्मल भी होते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी। अब मैं कहता हूं कि ये नॉर्मल है, अगर फाइव है, अगर यही रिपीट्स फाइव से बढ़ जाए सी ए जी सी ए जी, अब देखो ये एम्पलीफाइड हो गया, इंक्रीज हो गया, अब पांच की बजाय सात हो गए, आठ हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे, दस हो जाएंगे। अगर ये इंक्रीज एक लिमिट नंबर, अगर ये रिपीट्स एक लिमिटेड अमाउंट से, एक लिमिटेड नंबर से बढ़ जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए, नो दिस आर कॉल्ड ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, मतलब वो एक्सपेंड हो गए हैं, ज्यादा हो गए, लफ्ज को समझे। ऊपर कह रहा है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स नॉर्मल, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स
एक्सपेंशन, मतलब जो रिपीट्स हैं वो एक्सपेंड हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, इट इज कॉल्ड योर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। डिड यू गेट द पॉइंट? सो आई होप सो दैट आसान से था, वैसे मुश्किल नहीं था, मैंने इसको आसान से करके समझा दिया। सो समझ आ गया ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स और ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स एक्सपेंशन? डॉक्टर नदीम, डॉक्टर जुबैर, चलिए जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब ये होते कैसे देखें, अब ये इनकी एक्सपेंशन कैसे होती है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स की। अब मैं कहता हूं कि ये आपका एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट था, फिर वही एग्जांपल सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी, कितने हैं? पांच हैं। अब ये हर न्यूक्लियोटाइड का अलग नंबर होता है नॉर्मल। अब यहां पर लाजमी नहीं है, अगर यहां पर जी टी सी का वो हो रहा हो, रिपीट आ रहा हो बार बार जी टी सी जी टी सी, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी टी सी फाइव नॉर्मल होंगे, फाइव से ज्यादा एबनॉर्मल होंगे। नहीं, हर न्यूक्लियोटाइड का अलग अलग अपना नॉर्मल रिपीट होता है और एबनॉर्मल नंबर्स अलग अलग होते हैं, उनकी लिमिट क्या होती है अलग अलग होती है। समझ आ गई है? अब लेट्स सपोज दैट कि मैं फिर सेम एग्जांपल ले रहा हूं, आपका सी ए जी सी ए जी सी ए जी नॉर्मल में था। अब आपके इस डीएनए की क्या हो रही है? रेप्लिकेशन। इस डीएनए की क्या हो रही है? तो जब रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन कौन करता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रेप्लिकेशन। जब वो रेप्लिकेशन करने आएगा और जब वो सी ए जी की रेप्लिकेशन करेगा तो सी ए जी से क्या बनाएगा? सी की जगह पर सी के सामने क्या लगाएगा? जी। ऐसे ए को पढ़ के क्या लगाएगा? टी। जी की जगह पर सी। ऐसे वो बनाता जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब वो इनको बना रहा हो, जब इनको बना रहा हो तो यहां पर वो स्टक हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी आके फंस जाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्लिप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लिप। कि वो क्योंकि रिपीट्स, एक रिपीट आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। जब एक ही चीज बात देखे, हम कहें ना नंबर में आ रहा हो कि देखे कोई भी फोन नंबर हम बताते हैं, हम कहते हैं 92 76 201 या कुछ भी कहते हैं, ये सो सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर कुछ इस तरह का हो 6 6 6 6 6 5 4, अब जरा बंदा बताते हुए भूल जाता है। हम कहते हैं 66 66 54, ये बीच वाला 6 आगे पीछे हो जाता, निकल जाता है। तो इसी तरह क्योंकि रिपीट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जब पॉलीमरेज़ इनको पढ़ने आता है तो वो बेचारा भूल जाता है कि मैंने ये वाला पढ़ लिया है, ये वाला पढ़ लिया है, पता नहीं ये वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो वो इन्हीं सेम के ऊपर स्लिप होता रहता है कि वो बार बार बनाता रहता है, उनको बार बार पढ़ता रहता है, बार बार बनाता रहता है। तो पहले 5 स्लिप थे, तो जब दूसरी रिवीजन होगी उसमें 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जब दूसरी रेप्लिकेशन हो जाएगी, जब कंप्लीट, तो इस वाले डीएनए में कितने थे? 5 थे। इस वाले में कितने होंगे? 6 या 7 हो जाएंगे। फिर जब अगली, फिर दोबारा क्या होगी आपकी रेप्लिकेशन? ये पहली रेप्लिकेशन थी डीएनए की, अब इस डीएनए ने भी तो रेप्लिकेट करना है। जब ये डीएनए दोबारा रेप्लिकेट करेगा, दोबारा आपका पॉलीमरेज डीएनए आएगा, वो या तो क्या करेगा कि मैंने आपको पहले कहा था, जब कोई म्यूटेशन हो जाती है डीएनए में तो आपका रिपेयर सिस्टम होता है। क्या होता है? रिपेयर सिस्टम। अब ये किस्म की म्यूटेशन हो चुकी है ना कि 5 तो नॉर्मल है, नहीं समझ आ रही कि 5 तो है नॉर्मल, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपका डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर स्लिप हो गया, फंस गया इसके ऊपर, और उसने अब 5 से ज्यादा बना दिए, अब उसने 6 बना दिए, 7 बना दिए। अब ये तो म्यूटेशन है ना, 5 होने चाहिए थे, वो नॉर्मल होने चाहिए थे, लेकिन अब कितने बन चुके हैं? 7 8 बन चुके हैं। तो जब दूसरी बार सेकेंड उसी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसी डीएनए की दोबारा रेप्लिकेशन होती है, तो आपका रिपेयर सिस्टम आता है, या तो इसको ठीक कर देगा कि यार ये तो 5 होने चाहिए, बाकी 2 को डिलीट कर दो, उनको डिलीट करा देगा वो। अगर रिपेयर नहीं होता, फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज इसकी रेप्लिकेशन करने आएगा, अब वो फिर फंस सकता है इसके ऊपर, अब मजीद एक्सपेंशन हो गए हैं 7 की बजाय अब 8 10 15, तो इस तरह एक्सपेंशन बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह आपका क्या होता है? ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन में इंक्रीज होता है। अच्छा, जब आपका डीएनए पॉलीमरेज इसको पढ़ रहा होता है ना, जब इसको पढ़ के, तो वो एक लूप बना देता है इस तरह की, ऐसे, मतलब इधर क्या लगा होगा, सी ए जी, मतलब सी इधर, सी इधर, ए इधर, जी सी, फिर ए, फिर जी, फिर सी, फिर ए, फिर जी। तो ये आपस में बांड बना सकते हैं, ए और ए, इधर बांड बन जाएगा, कहीं बांड बन जाएगा, कहीं बांड नहीं बनेगा, तो वो एक लूप की तरह का बन जाता है। डिड यू गेट द पॉइंट? अगर बांड बन जाएगा तो लूप तो नहीं बनेगी, लेकिन लूप कैसे कब बनती होती है? देखे यहां पर आ गया ए, यहाँ पे आ गया जी, इनके दरमियान बांड नहीं बनेगा, तो यहां पर डीएनए आपस में मिलेगा नहीं, बल्कि ऐसा लूप कर जाएगा ऐसे। अगर बांड बन जाता तो ये मिल जाता आपस में, तो यहां पर मिलता नहीं, तो क्या बन जाती है आपकी? लूप बन जाती है।
समझ आ गई ये चीज। तो इस तरह उसकी लूप फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर दोबारा जब तीसरी रेप्लिकेशन होगी उसमें एक्सपेंशन मजीद बढ़ जाएंगे, या तो रिपेयर सिस्टम काम कर जाएगा, अगर रिपेयर सिस्टम ने काम नहीं किया तो एक्सपेंशन मजीद बढ़ जाएंगे। आसान सा है वैसे, सिंपल सा है, मैंने वैसे इसको डिटेल में समझा दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। समझ आ गई है? नहीं समझ आई, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। आसान सी है बायोकेमिस्ट्री, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से तो आसान ही है जो आजकल हमारा चल रहा है ना। इफ रिपीट्स ऑफ दिस सीक्वेंस बिकम्स, ये हमने पढ़ लिया, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द डीएनए पॉलीमरेज मे स्टक और मे स्लिप ऑन ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन लूप। ये मैंने जो अभी बताई है, इस तरह की हेयर पिन लूप बन जाएगी आपकी। हैविंग नो कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं कि ए के सामने टी आ जाए, सी के सामने जी आ जाए, लेकिन लूप में इस तरह कंप्लीमेंट्री बॉन्ड नहीं बनेंगे। ए के सामने जी आ जाएगा, सी के सामने टी, मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन दस हेयर पिन लूप मे बी रिपेयर्ड बाई नॉर्मल रिपेयर सिस्टम और पॉलीमरेज मे अगेन स्टक ऑन दिस लूप एंड कॉजेस फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, तो फर्दर एक्सपेंशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो मजीद बढ़ जाएगा, मजीद लूप बन जाएगी। समझ आ गई है? अब ये वाली चीज समझ ले, ये एंटी स्पेशन या फिर हम इसको स्वेरिटी भी बोलते होते हैं, इसको समझ ले। ये क्या होती है कि द नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफन इंक्रीजेस विद सक्सेसिव जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन एंड इंक्रीज स्वेरिटी बट डिक्रीजेस द एज ऑफ ऑनसेट। मतलब वो कहता है कि अगर जब फादर की एज थी 60 ईयर्स, कितनी थी, फादर था 60 ईयर्स का, तो उसमें जो नंबर ऑफ रिपीट्स थे वो कितने थे, 60 थे। नंबर ऑफ रिपीट्स कितने थे, 60 थे। अब वो कहता है कि जो सन था एज कितनी थी, 60 ईयर्स, तो रिपीट्स कितने थे, 60। वो कहता है जो सन होगा उसमें रिपीट्स, उसमें एज कम होगी, इसको जो रिपीट्स 60 साल में थे फादर को, वो बच्चे को हाफ नहीं मतलब कम एज में, वो 30 साल की उम्र में 60 से भी ज्यादा, तकरीबन 70 उसको मतलब हो जाएंगे रिपीट्स। मतलब जो जनरेशन होगी नेक्स्ट जनरेशन उसमें एज कम हो जाएगी, डिजीज के होने की एज कम हो जाएगी और रिपीट्स बढ़ जाएंगे। डिड यू गेट द पॉइंट? नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। देखिए वो कहते हैं फादर की एज थी 60 साल, उसमें रिपीट्स कितने थे, 60। अब सेम डिजीज जब बच्चे को होगी, उसके बच्चे को होगी, तो वो 60 साल का इंतजार नहीं करेगी कि 60 साल में जाके हो, बल्कि उससे कम अर्से में हो जाएगी। फादर की किस एज में हुई थी, 60 साल की एज में, बच्चे को हो सकती है 30 साल की एज में हो जाए, हो सकती है 25 साल की एज में हो जाए, 40 साल की एज में हो जाए, लेकिन 60 साल की एज से पहले हो जाएगी। और फादर को 60 साल की एज में कितने रिपीट्स थे, 60। लेकिन इसकी बच्चे की सिवेरिटी ज्यादा होगी, सन की सिवेरिटी, एज भी कम और रिपीट्स ज्यादा होंगे, एज कम होगी और रिपीट्स क्या होंगे, ज्यादा। अब 60 बजाय इसको 80 रिपीट्स हो सकते हैं, इसको 70 रिपीट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसके रिपीट्स ज्यादा होंगे वो सवेयर होगी, जिसके रिपीट्स कम होंगे वो सवेयर होगी, ऑफ कोर्स जिसके रिपीट्स ज्यादा होंगे वो सवेयर होगी, और ये क्या होगी, कम सवेयर। तो यही कहता है कि एज कम हो जाती है डिजीज के होने की, सवेरिटी बढ़ जाती है, रिपीट्स बढ़ जाते हैं। अब बाप को हुई थी 60 साल में, वही डिजीज बच्चे को हो गई 30 साल में, एज कम हो गई, लेकिन सवेरिटी देखें तो बाप को 60 रिपीट्स थे, बच्चे को 70 से 80 रिपीट्स है, तो मतलब बच्चे की सवेरिटी क्या है, ज्यादा है, और बाप की सवेरिटी क्या है, कम है। समझ आ गई ये चीज? और ये पॉइंट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, आपने पॉइंट गेन कर लिया इसको, वैसे आसान से, लेकिन अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता कि बच्चों को समझ क्यों नहीं आता। तो देखिए आप इसको, द नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफन इंक्रीजेस विद सक्सेसिव जनरेशन, फादर से सन, फिर सन का जो सन होगा अगला जो पोता होगा उसको मजीद ज्यादा सिवियर डिजीज होगी, फ्रॉम फादर टू सन एंड इंक्रीज सिवियरिटी, और सिवियरिटी बढ़ती जाती है क्योंकि रिपीट्स बढ़ते जाते हैं, बट डिक्रीज द एज ऑफ ऑनसेट, एज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Did you get the point? कम एज में वही डिजीज हो जाएगी। Father has 60 repeats in 60 years of age, but son will have repeats greater than 60 in age less than 60 years. Age कम, severity ज़्यादा, repeats ज़्यादा, so more severity in less age. So trinucleotide repeat समझ आ गए? Trinucleotide repeat expansion समझ आ गई है? किस तरह DNA polymerase stuck होता है, slip out होता है और वो बनाना शुरू कर देता है, ये समझ आ गया? Anticipation severity ये समझ आ गई है?
नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एग्जांपल्स, कि ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है इसकी, ये चार पांच एग्जांपल्स हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है, एग्जाम्स में भी, तो इनकी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एग्जाम्पल है आपकी हंटिंगटन डिजीज। अब हंटिंगटन डिजीज एक प्रोटीन होती है, इसका नाम हम हंटिंगटन बोलते हैं, क्या हंटिंगटन, ये हंटिंगटन प्रोटीन होती है जो आपके माइटोकांड्रिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? माइटोकांड्रिया में। लेकिन इसका फंक्शन अभी तक जो है ना वो अननोन है कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, होती है माइटोकांड्रिया में है। अब हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, वो कहते हैं हंटिंगटन डिजीज में जो है ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ये हम डिटेल में देखेंगे कि ये ऑटोसोमल, ये एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट रिसेसिव, ये क्या होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में, अगले लेक्चर में, बस जेनेटिक्स में देखेंगे। बस आप सिंपल देख लेंगे, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है इन नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 4। अब नॉर्मल क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 4 होता है, हैज सीएजी, कौन से रिपीट्स होते हैं, सीएजी, लेकिन कितने नंबर होते हैं इनके, 5। और ये ग्लूट, ये सीएजी किसको इनकोड करता है, ग्लूटा, ग्लूटामाइन को, किसको, ग्लूटामाइन को। क्या चीज मैंने कही, मैंने कहा कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उसके ऊपर रिपीट्स होते हैं सीएजी न्यूक्लियोटाइड के, और कितने रिपीट्स होते हैं, 5 रिपीट्स होते हैं, और ये इनकोड किस, कौन से अमीनो एसिड करता है, ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को, ये नॉर्मल है। ये क्या है, अब एबनॉर्मल, अबनॉर्मैलिटी क्या होती है, कि ये जो आपके ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं, ये जो है इनमें होती है म्यूटेशंस, डीएनए पॉलीमरेज इनके ऊपर स्टक ऑफ हो जाता है, या कोई भी म्यूटेशन होती है, तो ये रिपीट्स 30 to 60 हो जाते हैं। अब कितने थे, ये 5, लेकिन 30 to 60 हो गए। अगर ये रिपीट्स बढ़कर 30 to 60 हो जाए, फिर आपको डिजीज हो जाती है, इसका नाम होता है हंटिंगटन डिजीज। कौन सी डिजीज हो जाती है, हंटिंगटन डिजीज। मैं इसको रिपीट करता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर सीएजी के रिपीट्स होते हैं 5, और सीएजी इनकोड करता है आपके ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को। अगर ये रिपीट्स 30 to 60, यानी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन हो जाए, वो एक्सपेंड हो जाए, ये हो जाए 30 to 60, एक हद से बढ़ जाए, तो फिर आपको जो डिजीज होती है वो आपकी कौन सी होती है, हंटिंगटन डिजीज। कौन सी डिजीज हो जाती है, हंटिंगटन डिजीज। और हंटिंगटन क्या होती है, प्रोटीन होती है जो आपके माइटोकांड्रिया में होती है। तो समझ आ गई ये चीज, नहीं समझ आई, जब ये रिपीट 30 to 60 हो जाएंगे तो आपका ग्लूटामाइन ये एबनॉर्मल बनेगा, जब ये एबनॉर्मल बनेगा तो ग्लूटामाइन काम आते हैं हंटिंगटन प्रोटीन बनाने में, तो आपके हंटिंगटन प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगी, ठीक है, तो आपको ये डिजीज हो जाएगी। इसको याद कैसे रखना है आपने, ये मैंने नमूने तैयार किया, कांट एम ग्रेट वेन यू हंट 4 एनिमल्स। जब आप 4 जानवर का शिकार करेंगे तो इसका मतलब आपका जो एम है, जो ख्वाब है, वो छोटा सा। मैं हमेशा कहता होता हूं कि आपका ख्वाब ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देख के कहे कि यार तुम इसको पूरा नहीं कर सकते, ये तो यार कैसे ख्वाब देख रहे हो, ये तो इतना बड़ा है, और तुम खुद को देखो और ख्वाब देखो, तो वो आपका एम होता है, वो आपका ख्वाब होता है, वो आपका गोल होता है। वो ख्वाब जिसको दुनिया कहे कि यार यस तुम ये कर सकते हो, वो ख्वाब तो ना हुआ ना यार, ख्वाब के माने क्या होते हैं, तो ख्वाब आपका वो हो, ऐसे ख्वाब देखो जो दुनिया देख के कहे कि यार तुम ये नहीं कर सकते, फिर आप करके दिखाओ, फिर मैं मानू कि यस आपका कोई एम था। अब आपके गोल ही ऐसे हो कि दुनिया कहे कि यार तुम कर सकते हो, वो ख्वाब तो ना हुआ ना, ख्वाब के माने देखें, ख्वाब 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 तो ख्वाब होता है ना। तो फिर वो यही कहता है कि कांट एम ग्रेट, आपका जो एम है वो बड़ा नहीं हो सकता, वेन यू हंट 4 एनिमल, जब आप सोचते हैं कि आपने सिर्फ 4 एनिमल्स का शिकार करना है, तो आपका जो एम है वो बड़ा तो नहीं हो सकता, सिर्फ 4 एनिमल्स, तो इसको याद कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया, इसको आप याद कैसे करना है, कांट, कांट से आपने लेना है सी, एम से आपने लेना है ए, ग्रेट से आपने लेना है जी, तो इसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स होंगे, सी ए जी के रिपीट्स होंगे, डिड यू गेट द पॉइंट। और वेन यू हंट, हंट मतलब शिकार करना, तो हंट से हंटिंगटन डिजीज, और 4 मतलब क्रोमोसोम नंबर 4, तो क्रोमोसोम नंबर 4 पर सी ए जी रिपीट्स होंगे, ठीक है, 5 से ज्यादा रिपीट्स होंगे, तो इसमें आपको हंटिंगटन डिजीज हो जाएगी। समझ आ गई हंटिंगटन डिजीज, नहीं समझ आई, चलें जी, अब हंटिंगटन डिजीज के बारे में थोड़ा सा आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूं, कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, किसके आपकी हंटिंगटन डिजीज में। इसमें सबसे पहली बात कि आपको मूड डिस्टरबेंस होगी, जो यहां पर बुक में नहीं लिखा हुआ, मूड डिस्टरबेंस होगी,
आपका मूड क्या रहेगा, ये इसकी मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, किसकी, हंटिंगटन डिजीज की, मूड डिस्टर्बेंस होगी। उसके बाद आपको इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ना हैपर, उसके बाद आपको होगी न्यूरो डिजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। अब न्यूरो डिजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, इसमें मतलब जो आपके न्यूरॉन्स हैं, क्या हैं, न्यूरॉन्स, उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। क्या मतलब, उनकी जो लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा, किसका, न्यूरॉन्स का। न्यूरो डिजेनरेशन क्या है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। इसके बाद आपको क्या होती है, इसके बाद आपको होती हैपर रिफ्लेक्सिया। हैपर रिफ्लेक्सिया का मतलब है कि आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये जो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होते हैं, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, ओवर एक्टिव, ये क्या हो जाएंगे, ओवर ओवर रेस्पॉन्स करेंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे। और डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया यही होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी, यही जो मैंने बताया, इम्पेयर्ड मेमोरी। उसके बाद आपको कोरिया 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 लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल होता है, आपको ये हो जाएगा। उसके बाद आपको डिक्रीज ऑफ एसिटाइल कोलीन एंड गाबा, इन न्यूरो ट्रांसमीटर की आपको क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। हाँ, फिर ये भी डिक्रीज हो जाएंगे जब न्यूरो डिजनरेशन होगी। मैंने क्या बताया, सबसे पहला इसका सिम्टम क्या होगा, आपको मूड डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। दूसरा इम्पेयर्ड मेमोरी, मतलब आपको डिमेंशिया हो जाएगा। तीसरा आपको न्यूरो डिजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो जाएगा। आपको हैपर रिफ्लेक्स, या आपको जो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है, रिफ्लेक्सेस है, वो ओवर रेस्पॉन्स शो करेंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे। और आपको कोरिया, ये लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल हो जाएगा आपको, और डिक्रीज ऑफ एसिटाइल एंड गाबा जो आपके वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, वो कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स की क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो आसान सा था, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, डायग्राम पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो कहता है देखिए, 1 2 3 4 5, पांच रिपीट है सीएजी के कितने रिपीट्स हैं, पांच रिपीट्स हैं, ये नॉर्मल है। रिपीटिंग सीएजी कोडांस फॉर द अमीनो एसिड ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन को कोड करते हैं, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हंटिंगटन प्रोटीन बनेगी विद लेस देन 36 ग्लूटामाइन रेजिड्यूज। अगर ये 36 से कम हो, 30 से कम हो, 30 से, तो फिर भी नॉर्मल होगा। अगर 30 से बढ़ गए हैं, 60 तक चले गए हैं, देन इट विल बी एबनॉर्मल, तो आपको क्या हो जाएगी, हंटिंगटन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका हंटिंगटन डिजीज के बारे में, ठीक है। देखिए आसान सा था, कांट एम आपके सीएजी के रिपीट जो है ना क्रोमोसोम नंबर 5 पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 5 होने चाहिए। अगर 5 से बढ़ेंगे तो फिर आप 32 60 हो जाएंगे, तो फिर आपको क्या हो जाएगी, हंटिंगटन डिजीज हो जाएगी। हंटिंगटन डिजीज में आपको क्या होता है, ये, हाँ ये सारे आपको सिम्टम्स वहां पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो डिड यू गेट द पॉइंट, ये डायग्राम भी समझ आ गई है। चले, द सेकंड इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें होता है कि इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। ये क्या होती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज होती है। नॉर्मल आपके जे वाला कौन सा, सी जी जी आपका ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और ये किसको शो करता है, आपके आरजीनिन को, किसको, आरजीनिन को। और रिपीट जो इनके नॉर्मल होते हैं वो 62 53, ये नॉर्मल होते हैं ऑन द एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और जो जीन इन्वॉल्व होता है, मतलब जिस जीन में म्यूटेशन होती है, उस जीन का नाम होता है FMR1 जीन। मतलब FMR1 मतलब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आपका जो जीन होता है वो एफ से फ्रेजाइल MR1 जीन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि आपकी जब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होती है, इसमें CGG के रिपीट्स होते हैं। CGG क्या होता है आपका, कोडान है, न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट होता है, और इनके कितने रिपीट्स होते हैं, 62, ये नॉर्मल होते हैं। CAG के कितने थे नॉर्मल,
फाइव या 30 से नीचे भी नॉर्मल काउंट किए जाते हैं। तो इसके नॉर्मल कितने हैं, 6 to 53 इसके नॉर्मल है। और ये वो ग्लूटामाइन को बनाना था, ये किसको बनाता है, आर्जिनिन को। और ये वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर था, 4 पर, और ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। और इसका जो जीन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, FMR1 जीन, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, ये था आपका नॉर्मल, अब मैं एबनॉर्मल बताऊंगा। एबनॉर्मल क्या होता है कि अगर आपके ये रिपीट्स 6 to 53 नॉर्मल है, अगर ये बढ़ जाए 230+ रिपीट हो जाए, कितने हो जाए, 230+ ये रिपीट्स हो जाए, फिर आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आपको हो जाएगी, ठीक। क्योंकि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है तो उसमें क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम। वहां पर कांट एम ग्रेट इफ यू हंट फोर एनिमल्स, क्रोमोसोम नंबर 4 था, यहां पर एक्स सिंड्रोम है तो क्रोमोसोम एक्स होगा, ठीक है। तो अगर ये 230+ हो जाते हैं, तो बेसिकली जब 230+ हो जाते हैं तो आपके FMR1 जीन की क्या हो जाती है, हाइपरमिथाइलेशन, क्या हो जाती है, हाइपरमिथाइलेशन। डॉक्टर जुबैर एंड डॉक्टर नदीम, बोथ ऑफ यू प्लीज टेल मी दैट, जब हम किसी चीज की मिथाइलेशन करते हैं तो वो जीन एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाती है, क्या हो जाता है वो, मैंने बताया था ना कि जब एसिटाइलेशन होगी तो फिर क्या हो जाता है, एक्टिव, और जब मिथाइलेशन तो फिर इनएक्टिव। तो आपका जो ये जीन होता है FMR1 जीन, ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव। जब जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या ये अमीनो एसिड बनेगा, तो जो आपकी प्रोटीन होती है वो बनेगी, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाती है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाती है। समझ आई ये चीज, ये मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर दूं, चले जी मैं एक बार फिर, CGG नॉर्मल रिपीट्स होते हैं, ये आर्जिनिन को इनकोड करता है और एक्स क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, जीन इन्वॉल्व होता है FMR1, और नॉर्मल रिपीट्स कितने होते हैं, 6 to 53। अगर ये 230+ हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपके FMR1 जीन की हो जाती है हाइपरमिथाइलेशन, मतलब वो इनएक्टिव हो जाता है। जब वो जीन इनएक्टिव हो गया तो जीन से बनने वाले क्या अमीनो एसिड बनेगा, जब अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो क्या आपकी प्रोटीन बनेगी, तो आपकी कौन सी डिजीज हो जाएगी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाएगी। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से, हैं, इट इज एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज, नॉर्मल CGG आर्जिनिन रिपीट्स आर 6 to 53 ऑन एक्स क्रोमोसोम, एंड जीन इन्वॉल्व्ड इज FMR1 जीन, बट पैथोजेनिक रिपीट्स अप टू 230+ कॉजेस फ्रेजाइल डिजीज, इट कॉजेस हाइपरमिथाइलेशन एंड डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ FMR1 जीन, यानी उसकी एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर वो पूछे के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आपके जो सोचे समझने की जो डिसेबिलिटी आपके दिमाग की, वो जो है ना सबसे उसकी मोस्ट कॉमन काज कौन सा, तो आप कहेंगे फ्रेजाइल, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनेटिकली एसोसिएटेड मेंटल डेफिशिएंसी आफ्टर डाउन सिंड्रोम, क्या कह रहे हैं, मतलब डाउन मेंटल डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी काज क्या है, डाउन सिंड्रोम, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन काज कौन सी आपकी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये एमसीक्यू समझ आई, ये वाली नहीं समझ, मैं इसको रिपीट एक बार कर देता हूँ। वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसकी सबसे बड़ी काज क्या है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। लेकिन अगर हम बात करें मेंटल डेफिशिएंसी की, तो उसकी सबसे बड़ी काज है डाउन सिंड्रोम, लेकिन उसकी सेकेंड मोस्ट कॉमन काज है आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। आप समझ आइए, चलिए, यस, लेकिन सेकंड मोस्ट जो होती है वो आपकी होती है फ्रेजाइल। लेकिन अगर बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो उसकी कौन सी है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। अब इधर देख लें आप, इधर ये CGG के रिपीट्स होते हैं, FMR1 जीन इन्वॉल्व होता है, ये नॉर्मल कितने होते हैं, 6 to 53 या 50 CGG रिपीट्स। अगर ये एबनॉर्मल हो जाए 55 to 200, तो म्यूटेशन हुई है लेकिन ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुई। लेकिन अगर ओवर 200 हो जाए, तो इसमें आपका जीन की क्या होती है, हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है ना, FMR1 जीन की क्या हो जाती है, मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन से ये इनएक्टिव होगा, लेकिन कम इनएक्टिव होगा। अगर रिपीट्स 200 से कम है, अगर रिपीट्स 200 से भी ज्यादा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, क्योंकि रिपीट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपकी प्रोटीन्स बिल्कुल ही नहीं बनेगी। अगर 200 से कम होगा तो प्रोटीन्स बनेगी, लेकिन थोड़ी प्रोटीन बनेगी। तो आपको फ्रेजाइल सिंड्रोम इस सूरत में होगी, लेकिन सिम्पटम सेवियर नहीं, लेकिन इधर सिम्टम्स क्या होंगे, बिल्कुल सीवियर, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट हो गया है, तो बिल्कुल आपका जीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं,
सबसे पहली मैक्रो आर्चिडिज्म, ये होती है एबनॉर्मली लार्ज टेस्टीज। आपके जो टेस्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज, आर्चिडिज्म मतलब आपके टेस्टीज, तो आपके टेस्टीज जो है ना वो लार्ज होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी उसको, हमने अभी भी देखा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की सबसे मोस्ट कॉमन काज कौन सी है आपकी, फ्रेजाइल। लॉन्ग फेस विद लार्ज जा, लार्ज इवर्टेड एयर्स, माइट्रल वाल प्रोलैप्स होगा आपको, क्या होगा इसमें, मैं इसको एक बार फिर आपको बता देता हूँ, डायग्राम बना के ताकि आपको सिम्टम्स जो है ना वो याद रहे, ठीक है। कि ये बंदा है आपका, ये इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये बंदा है, ठीक है, तो ये बंदा है तो इसके टेस्टीज क्या होंगे, लार्ज होंगे। टेस्टीज क्या होंगे इसके, तो आपको मैक्रोएचिटिज्म। दूसरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल इसका ब्रेन जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तीसरी इसका जो फेस है वो लॉन्ग होगा, इस तरह क्या होगा, लॉन्ग। उसकी जो जा होगी ना, जा ये भी क्या होगी, लॉन्ग होगी, लार्ज जा होगी उसकी। और इसके अलावा इसके जो कान होंगे वो इवल्टेड लंग, बड़े बड़े से ऐसे कान होंगे, ठीक है। और उसका माइट्रल वाल्व जो यहाँ पे उसका माइट्रल वाल्व होगा, देखिए माइट्रल वाल्व क्या होता है, आजकल हम CVS में इसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं। माइट्रल वाल्व होता है आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है, ये लीकी होगा। ये क्या होगा, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को कहाँ जाना चाहिए, एओर्टा में, लेकिन कुछ ब्लड लीक होकर कहाँ चला जाता है, एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये आपका वाल्व क्या होता है, लीकी। मैंने क्या बताया कि क्या होगा, टेस्टिस आसान से बड़े बड़े से होते हैं, लार्ज फेस होता है, जा उसका बड़ा हुआ होता है, इवल्टेड उसके एयर होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इसको क्या होती है, डिसेबिलिटी, उसका ब्रेन सही तरह से काम नहीं करता, और बड़े बड़े से उसके कान होंगे। और आपका माइट्रल वाल्व क्या होगा, प्रोलैप्स, वो लीकी सा होगा, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को सारा इधर जाना चाहिए, लेकिन कुछ ब्लड लीक होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नॉर्मेलिटी होगी इसकी। सो आसान सा था, ठीक है, कि फिर रिपीट कर देता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत रिपीट कर दिया है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी आपका हो गया, समझ आ गया फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब आपकी है फ्रेडरिक्स इटैक्सिया, ये सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आती है, मैं देख लूँ कि आपकी कोई चीज़ इसमें से रह ना गई हो। अब आपने पूछा नहीं कि सर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का कोई नमूने भी बता दें कि इसको कैसे याद रखना है, तो ये हमने बनाया हुआ है। कंजेनिटल जेंट गुनेड्स, कि आपके गुनेड्स बड़े होंगे, कंजेनिटल का सी ले ले, गुनेड्स का जी ले ले, सॉरी जेंट का जी ले ले, गुनेड्स का भी जी ले ले, तो आपके सी जी जी के क्या होंगे, के रिपीट्स होंगे, 6 to 53 नॉर्मल होंगे एंड 200 प्लस बिल्कुल एबनॉर्मल होंगे। और इसमें ये जेंट गुनेड्स मतलब आपके जो गुनेड्स हैं टेस्टिस वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपने नहीं बोलना, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, समझ आ गया। नाउ फ्रेडरिच इटैक्सिया, अब ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब इसमें नॉर्मल रिपीट्स किसके होते हैं, जी ए ए के, और ये किसको करता है, ये ग्लूटामेट को, किसको, ग्लूटामेट को वो इनकोड करता है। नॉर्मल कितने होते हैं, 7 to 34 आपके क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है, 9, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। और जो जीन इन्वॉल्व होता है वो आपका होता है फ्रेक्टोक्सिन, कौन सा, फ्रेक्टोक्सिन जीन जो है ना ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो मैं इसको जो फ्रेक्टोक्सिन जीन होता है ना, इसका काम क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स में आयरन की जो है ना वो क्या करता है, उनको आयरन को क्या करता है, पुट करता है सेल्स के अंदर, उनकी पुटिंग करता है सेल्स के अंदर, आयरन की पुटिंग करता है, नॉर्मल पुटिंग, कि उनको नॉर्मल अमाउंट कितनी चाहिए वो उतनी उनके अंदर क्या कर देगा, पुट कर देगा, जितनी अमाउंट आयरन की एक सेल को चाहिए होती है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया था, कि इसमें जो रिपीट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जी ए ए रिपीट्स होते हैं, और नॉर्मल कितने होते हैं, 7 to 34 नॉर्मल रिपीट्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर कौन सा इन्वॉल्व है आपका, 9 इन्वॉल्व है। और ये जो जी ए ए जिस अमीनो एसिड को इनकोड करते हैं वो कौन सा होता है, ग्लूटामेट होता है। और इसमें जो जीन इन्वॉल्व होता है वो होता है फ्रेट्रेक्सिन जीन, फ्रेटेक्सिन जीन का, जैसे फ्रेटेक्सिन एफ एफ फ्रेटेक्सिन, तो एफ ई से आयरन, तो ये आयरन को क्या करता है, पुट करता है सेल्स के अंदर, जितनी अमाउंट सेल्स को आयरन की चाहिए होती है। डिड यू गेट द पॉइंट, याद करने वाली वैसे चीजें हैं, ठीक है, तो समझाने वाली चीजें जो थी वो मैंने समझा दी है।
अब अगर आपके यही रिपीट्स, ये जो 7 to 34 है, यही रिपीट्स 100+ हो जाए, क्या हो जाए, 100+, 100 से ज्यादा रिपीट्स हो जाए, तो आपका ये फ्रिटेक्सन जीन है ये क्या हो जाता है, एबनॉर्मल। फ्रिटेक्सन जीन क्या हो जाता है, एबनॉर्मल। तो फ्रिटेक्सन जीन आपका हो जाएगा एबनॉर्मल। जब फ्रिटेक्सन जीन एबनॉर्मल होगा तो ये आयरन की ज्यादा मिकदार पुट करना स्टार्ट कर देगा, किसमें, सेल्स में। आयरन की पुटिंग क्या कर देगा, सेल्स में बढ़ा देगा। तो आपके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आयरन क्या हो जाता है, एक्युमुलेट कर जाता है, क्या कर जाता है, एक्युमुलेट। तो आपको जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, फ्रेडरिच इटैक्सिया, फ्रेडरिच इटैक्सिया मतलब फ्रेडरिच हो जाएगी आपको, फ्रेडरिच मतलब आयरन, एफ आर से एफ ई ले ले, यानी आयरन की एक्युमुलेशन से आपको जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, फ्रेडरिच इटैक्सिया आपको क्या होती है, डिजीज होती है। और ये आयरन जितना ज्यादा एक्युमुलेट करता जाएगा सिम्पटम्स उतने ज्यादा सवेयर होते जाएंगे। मैं इसको एक बार फिर रिपीट, यार आसान सा है देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा है, याद रखने वाली चीजें हैं बस, के ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कौन से होते हैं, जी ए ए के, नॉर्मल कितने होते हैं, 7 to 34, और ये कौन से अमीनो एसिड को इनकोड करते हैं, ग्लूटामेट को, क्रोमोसोम नंबर कौन से होते हैं, 9 पर, जो जीन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, फ्रिटेक्सन जीन। फ्रिटेक्सन जीन का काम क्या होता है कि सेल्स के अंदर आयरन की नॉर्मल मिकदार को, अप्रोप्रिएट मिकदार को इनपुट करना। अगर ये रिपीट्स 100+ हो जाए तो फ्रिटेक्सन जीन एबनॉर्मल हो जाएगा, जब ये एबनॉर्मल होगा तो ये आयरन की ज्यादा मिकदार को पुट करना स्टार्ट कर देगा, और जब ये आयरन एक्युमुलेट कर जाता है तो आयरन के एक्युमुलेट होने से एफ ई मतलब फ्रेडरिच से एफ ई एक्युमुलेट हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, फ्रेडरिच इटैक्सिया हो जाएगा। जितना ज्यादा आयरन एक्युमुलेट करेगा सिम्पटम उतना ज्यादा क्या होंगे, सिवियर होंगे। समझ आ गई है, अब इसकी रीडिंग करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, नॉर्मल रिपीट्स ऑफ जी ए ए ग्लूटामेट आर 7 to 34 और क्रोमोसोम नंबर 9, बट पैथोजेनिक रिपीट्स आर 100+। इन दिस डिजीज देयर इज अ म्यूटेशन ऑफ फ्रिटेक्सन जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग एक्यूरेट अमाउंट ऑफ आयरन इन सेल, बट म्यूटेशन लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ आयरन इन सेल कॉजिंग सिवियर सिम्पटम्स। डिड यू गेट द पॉइंट, समझ आ गई है चीज, बस ये आसान सा था बिल्कुल ही है। फ्रिटेक्सन, ये फ्रिटेक्सन की स्पेल यहाँ पर मेरे जो राइटर है उसने फिर गलत कर दी है, मुझे एक बार फिर इसको देखना पड़ेगा। फ्रिटेक्सन की स्पेलिंग इस तरह होते हैं, फ्रे अल्लाह एफ आर ए टी ए एक्स आई एन, फ्रिटेक्सन जीन की स्पेल ये होते हैं, ठीक है। तो गलत किया, समझ आ गया ये फ्रिटेक्सन इटैक्सिया। अब इसके सिम्पटम्स देखते हैं, सिम्पटम्स इसके कौन कौन से होते हैं, आसान से है इसके सिम्पटम्स भी। चले इसके सिम्पटम्स में सबसे पहला देखें, इटैक्सिया खुद बता रहा है, फ्रेडरिच इटैक्सिया इसका हो जाएगा, खुद बता रहा है, पहला सिम्पटम वो खुद बता रहा है इटैक्सिया, ये आपने नहीं बोलना। इटैक्सिया होते हैं स्टम्बलिंग एंड इनकोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो उसमें इटैक्सिया हो जाता है, मतलब आपकी स्लर्ड स्पीच स्टम्बलिंग आती है, आपकी इनकोऑर्डिनेशन आती है, क्या आती है, इनकोऑर्डिनेशन, आप सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपनी बॉडी को सही तरह से संभाल, उसमें स्टम्बलिंग आती है, और आपकी स्लर्ड स्पीच होती है, क्या होती है, स्लर्ड स्पीच, आपको स्पीच करते हैं तो वो आप उसको स्लर्ड स्पीच आती है, वो आप प्रॉपरली स्पीच नहीं कर सकते। और आपको हेमरटोज क्या होते हैं कि आपका ये जो आपको जो टो होता है ना वो नॉर्मल ऐसे होता है ना, उसमें ये ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंपल सा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो बीच वाला जो ये वाला ज्वाइंट है ये टूट जाता है, जब ये टूटता है तो आपका ये कुछ इस तरह का बन जाता है, आपका ये इस तरह कुछ हैमर टाइप, किस तरह का हैमर टाइप, जैसे आपका हैमर थोड़ा होता है तो ये बीच वाला जो ज्वाइंट है ये वाला टूट जाता है, जब ये ज्वाइंट टूटता है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे बल्ज कर जाता है ऐसे ऐसे, तो आपका ये हैमर टाइप क्या बन जाता है, आपका टो बन जाता है, तो आपका ये टो जो है ना हैमर टाइप आता है, तो हैमर टोज, समझ आ गया हैमर टोज क्या होता है, तो टोज हैव एबनॉर्मल बेंड इन मिडल ज्वाइंट सो लुकिंग लाइक अ हैमर, तो एक हैमर की तरह आपका दिखाई देता है। आपको स्क्लियोसिस होगी, साइड विच क्रिवेचर ऑफ स्पाइन, आपका स्पाइन जो है ना वो ऐसे साइड की तरफ क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। एंड पेस्केविस, देखिए एक आपका होता है फुट, बिल्कुल फ्लैट फुट कहते होते हैं हम उसको, क्या कहते होते हैं, ये फुट क्या है उसका, बिल्कुल फ्लैट है, सीधा फुट है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है। दूसरा आपका होता है हाई कर्वेचर, मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे क्या होगा उसकी, ऐसे उसका कर्वेचर होगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे वाला उसकी सोल है उसकी, ठीक है,
ये हाई आर्च होगी उसकी ऐसे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं आपका पेस्केविस। समझ आ गया पेस्केविस, ये पेस्केविस क्या होता है? देखिए पेस्केविस ये होता है कि आपका ये नॉर्मल फुट ऐसे होता, देखें नॉर्मल फुट मैं इसको सीधा बनाता हूँ कि नॉर्मल फुट तो मतलब जो फ्लैट फुट होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा। इसकी ये पांच फिंगर्स आप बना लें, ये बिल्कुल इसमें कोई यहाँ पे कर्व नहीं है, लेकिन नॉर्मल फुट में थोड़ी सी कर्व होती है ना, लेकिन इधर बिल्कुल भी कर्व नहीं है, ये फ्लैट फुट है। अगर ये कर्व ज्यादा हो जाए, कर्व क्या हो जाए, ज्यादा आपका फुट ऐसे हो जाए, तो फिर ये आपका क्या होता है, पेस्केविस, मतलब आपका हाई आर्च फुट होता है। हाई आर्च फुट ये पेस्केविस समझ आ गया, फ्लैट फुट समझ आ गया, और कर्वेचर ये साइड में इसका कर्वेचर होगा, और हैमर मैंने अभी आपको बताया कि ये मिडल वाला ज्वाइंट जब टूटेगा तो ये ऊपर की तरफ आपका वो निकल जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका हैमेटोज हो जाएगा, और बाकी आपका इटैक्सी है वो ऊपर से ही था। ठीक है, मतलब इसको मसले ज्यादा कहाँ पर हो रहे हैं आपके फुट में, कि फुट हाई क्रिवेचर वाला होगा, फुट क्या होगा, हाई क्रिवेचर वाला, फुट का टो जो है ना उसमें प्रॉब्लम होगा, और बाकी इटैक्सिया याद रखें, और इटैक्सिया के बाद ये स्क्लेरोसिस, मतलब इसमें भी थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। तो आई होप सो दैट कैसा आंसर था, हो जाएगा याद। आगे बढ़े, तो ये समझ आ गया आपको फ्रेडरिच इटैक्सिया? नहीं समझ आया? आ गया समझ, चले वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? वालेकुम सलाम, क्लास है आपकी कितने बजे? अभी तो टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 7-8 मिनट रहते हैं, तो बस 10 मिनट में लगेंगे, हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैम गिव जस्ट 10 मिनट्स, वी विल फिनिश इट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, दरवाजा बंद कर दे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में आपका जीन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है सी, आपका यूनिक्लोटाइड CTG, और ये जो अमीनो एसिड बनाता है वो आपका होता है एस्पर टेट। ये क्या बनाता है आपका, मैं पीछे वाला देख लूँ कि आपके उसमें कुछ रह ना गया हो, आपके उसमें फ्रेडरिच टैक्सिया में सब क्लियर हो गया। ठीक है चले, अब इसमें क्या होता है, आपका जो इन्वॉल्व होता है वो CTG न्यूक्लियोटाइड होता है, और अमीनो एसिड कौन सा बनाता है, एस्पर टेट, और इनकी नॉर्मल नंबर कितने होते हैं, नॉर्मल काउंट 5 to 37, 5 to 37, और इसमें क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19, और जो जीन इन्वॉल्व होता है वो आपका होता है DMPK जीन शो करता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज। इसका काम होता है ये आपकी सेल्स की कम्युनिकेशन में काम आता है, सेल्स की कम्युनिकेशन में, कि सेल्स को आपस में क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है दूसरे के साथ। ठीक है समझ आ गई है, तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, पहले वो जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है कि आपका CTG न्यूक्लियोटाइड होता है, और इनके नॉर्मल रिपीट्स कितने होते हैं, 5 to 37, और ये जिसको इनकोड कर रहा होता है अमीनो एसिड उसका नाम होता है एस्पर्टेट। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर इन्वॉल्व होता है वो 19 इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो आपकी वो होती है जीन होता है वो कौन सा होता है, DMPK जीन, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज जो आपका जीन होता है वो इन्वॉल्व होता है, और ये जो जीन होता है ये जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है आपके सेल्स की कम्युनिकेशन में, सेल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते होते हैं। अच्छा अगर यही रिपीट्स आपके जो 537 है ये 50+ हो जाए, कितने हो जाए, 50+, अब ये क्या हो जाएगा आपका, एबनॉर्मल, आपका डिस्ट्रॉफिक माइटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज जीन ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। तो जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेगी। अब ये जो प्रोटीन्स बनेगी वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स नहीं बनेगी, तो आपके जो मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, क्या होती है, रिलैक्सेशन, वो मसल सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो समझ आ गई ये चीज, नहीं समझ आई, वैसे आसान सी है, देखिए सिंपल चीजें हैं। क्या क्या कहता है वो कहता है कि, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कि CTG न्यूक्लियोटाइड होता है, नॉर्मल कितने होते हैं, 5 to 37, एस्पर्टेट अमीनो एसिड को ये इनकोड करता है, क्रोमोसोम नंबर 19 होता है, और जो जीन होता है वो DMPK माइटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज जीन होता है, और इसे जो प्रोटीन बनती है वो कम्युनिकेशन में यानी मसल्स की रिलैक्सेशन में काम आती है।
अगर ये रिपीट्स 50 प्लस हो जाए तो मसल सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका ये जीन सही तरह से नहीं बन रहा, तो प्रोटीन सही तरह से नहीं बनती, तो आपके मसल सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, नॉर्मल रिपीट्स ऑफ सीटीजी एस्पल्टेट आर 5 to 37 ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 डीएमपी के जीन, बट पैथोजेनिक रिपीट्स आर 50 प्लस, इट्स लीड्स टू एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ मायोटोनिक प्रोटीन काइनेज दैट रिजल्ट्स इन मायोटोनिया। मायोटोनिया ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। अब इसमें देखें, मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस इन लोअर लेग्स हैंड्स एंड नेक एंड फेस, कि आपके जो फेस नेक हैंड्स और लोअर लेग्स के जो मसल्स हैं वो उनमें वीकनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकेंगे, डिफिकल्टी इन रिलीजिंग हैंड आफ्टर हैंड शेक। अब इस बंदे को क्या होता है कि इस बंदे ने किसी के साथ हैंड शेक किया, जब ये किसी के साथ हैंड शेक करेगा बेचारा, तो हैंड शेक करने के बाद ये फिर अपना हाथ उसे छुड़ा नहीं पाएगा। आफ्टर रिलीजिंग, डिफिकल्टी रिलीजिंग आफ्टर हैंड शेक, जब किसी के साथ हैंड शेक करेंगे तो वो उसका हाथ छूट, क्योंकि उसके मसल्स अब वहां पे रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये होता है कि फिर उसको वार्म करना पड़ता है, उसके मसल को क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है, गर्माइश देनी पड़ती है, फिर उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है, तो बेचारा जैसे भी सलाम करता है तो उसका वो अपना हैंड शेक जो है ना, वो उसके बाद वो अपने हैंड को रिलीज नहीं कर पाता। और इसको कैटरेक्ट्स होगा, मतलब आई का प्रॉब्लम होगा, ब्लड आई होगी आपकी। और इसी बंदे को क्या होगा, आपका टेस्टिकुलर एट्रॉफी, कि उसके जो टेस्टिस होंगे वो एब्सेंट होंगे, ये छोटे छोटे से उनके टेस्टिस की श्रिंकेज हो जाएगी, वो छोटे छोटे हो जाएंगे। अर्ली बेल्डिंग ट्रॉफी, मतलब वो जल्द क्या हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, जल्दी वो क्या हो जाएगा, गंजा, उसके बाल उड़ जाएंगे बेचारे के। एंड एरिथमिया, उसकी एबनॉर्मल क्या होगी, हार्ट बीट होगी। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, समझ आ गया। देखिए इसके सिम्टम्स आसान से हैं, मैं देखिए क्या होता है इसके सिम्टम्स में। सबसे पहली चीज़ क्या, उसके जो फेस के लोअर लेग्स के, ठीक है, सॉरी लोअर लेग्स के, हैंड्स के, नेक और फेस के जो मसल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रिलैक्सेशन नहीं हो रही। वो जब किसी से सलाम लेगा तो बेचारा हाथ नहीं छुड़ा पाए, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके अब रिलैक्स नहीं हो रहे। उसी को कैटरेक्ट, उसी को होगा बेचारे को, उसी बेचारे को टेस्टिकुलर एट्रॉफी होगा, कि उसके टेस्टिस श्रिंक हो जाएंगे, छोटे छोटे से हो जाएंगे। वही बंदा बेचारा जल्दी गंजा हो जाएगा, इसको बोलते हैं टोफी। और वही उसी बंदे में एरिथमिया होगा, उसकी जो हार्ट बीट्स हैं वो एबनॉर्मल होंगी। समझ आ गया भाई, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी खुद बता रहा है कि कौन सा जीन इन्वॉल्व होगा इसमें, आपका डीएमपी के जीन, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी प्रोटीन काइनेज, क्रोमोसोम नंबर 19 पे होगा, सीटीजी इन्वॉल्व होगा, 5 to 37 नॉर्मल होंगे और 50 प्लस क्या होंगे, एबनॉर्मल, और जो अमीनो एसिड होता है वो आपका एस्पार्टेट होता है। डिड यू गेट द पॉइंट? आसान सा है यार, सिंपल सा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, स्पाइनोबल्बर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनोबल्बर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये क्या होती है, ये एक्स लिंक्ड होती है, और इसमें रिपीट्स जो होते हैं, देखें रिपीट्स होते हैं सी ए जी के, और नॉर्मल कितने होते हैं, 9 to 36। जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि, और ये किसको इनकोड करता है, ग्लूटामाइन को, सी ए जी। सी ए जी पहले किसमें था, कांट एज ग्रेट इन द फर्स्ट वन, व्हाट वाज दैट फर्स्ट वन, कौन सा था आपका, हंटिंगटन डिजीज, उसमें भी था, इधर भी है, तो लेकिन वो किस पे था, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, डॉक्टर जुबैर, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे, और उसके 5 रिपीट्स नॉर्मल थे। ग्लूटामाइन को रिपीट सी ए जी, लेकिन अगर ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो, वहां पर उसके नॉर्मल काउंट कितने थे, 5, और वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे था। अब ये एक्स क्रोमोसोम पर है और इसके नॉर्मल काउंट कितने हैं, 9 to 36, उसके 5 थे। ठीक है, और ये कोड दोनों सेम को, ऑफ कोर्स ग्लूटामाइन को ही करेंगे। अगर इनके रिपीट्स ये 9 to 36 नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, सी ए जी इन कोड ग्लूटामाइन को करता है। अब अगर इसके रिपीट्स हो जाए 38 to 62 रिपीट्स हो जाए, तो फिर आपको आपको क्या हो जाती है, स्पाइनोबल्बर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या हो जाती है, स्पाइनोबल्बर मस्कुलर, वही आसान से है, देखें सी ए जी है। आप कहेंगे सर सी ए जी तो पहले भी आ गया है हंटिंगटन डिजीज में, यस वहां पर भी आया, लेकिन वहां पर क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, और यहां पर किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम पर। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे हो तो ये हंटिंगटन डिजीज काज करता है, और उसके नॉर्मल काउंट कितने थे, रिपीट 5 थे, लेकिन यहां पर नॉर्मल रिपीट कितने हैं, 9 to 36,
और ये 9 टू 36 से बढ़कर आपका 38 टू 62 हो जाए तो फिर आपको कौन सी डिजीज होती है? स्पाइनो बल्बर। तो एमसीक्यूज घुमा सकता है कि वो सी ए जी रिपीट्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 कॉजेस द हंटिंगटन डिजीज एंड सी ए जी रिपीट्स ऑन एक्स क्रोमोसोम कॉजेस द स्पाइनो बल्बर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स वीकनेस, खुद बता रही है, मसल वीकनेस इन द आर्म्स एंड लेग्स रिजल्टिंग इन द क्रैम्पिंग। तो आपके मसल क्या कर जाएंगे? क्रैम्प कर, मसल वीकनेस हो जाए। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सारा गो थ्रू देख लें। सी जी जी का अगर काउंट ग्रेटर देन 200 हो जाए तो आपको क्या हो जाएगी? फ्रेजाइल, एक्सेंड्रोम हो जाएगी। इसी तरह जी ए ए का इन काउंट 200 से बढ़ जाए तो आपको क्या हो जाएगी? फ्रेडरिच, एटैक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर सी ए जी का इन काउंट 40 से बढ़ जाए तो आपको क्या हो जाएगा? हंटिंगटन डिजीज, एटैक्सिया, हंटिंगटन डिजीज हो जाएगी। और ऐसे आपको सेरेब्रुलर एटैक्सिया भी बहुत। और अगर सी टी जी का काउंट 50 से बढ़ जाए तो फिर आपको क्या होती है? माइटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है आपको। ठीक है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है। और ये अभी हमने स्पाइनो बल्बर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा है वो भी किसकी तरह का होता है? सी ए जी होता है। ठीक है, समझ आ गई है कि इन रिपीट्स के एक नॉर्मल काउंट होता है, तब तक ये नॉर्मल काउंट होते हैं जब अगर उनसे बढ़ गया तो ये क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल हो जाते हैं। कोई चीज रह गई हो, कोई चीज समझ में आई हो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स में या कुछ भी तो बता दे मुझे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, क्लास डिसमिस।